मैं चल नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं सकता, बट मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। ये शब्द है महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस के। बचपन से ही दिमाग बहुत तेज था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। सबको लगता था कि लड़का कुछ करेगा आगे चल के, बहुत ब्रिलियंट माइंडेड है, कुछ अच्छा करेगा। बट जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। 17 साल की उम्र में स्टीफन को चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। टेस्ट कराया गया तो पता चला स्टीफन को एक सीरियस बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी। डॉक्टर ने बता दिया कि 2 साल में तुम मर जाओगे। स्टीफन ने कहा, नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। स्टीफन ने तुरंत अपनी पढ़ाई लिखाई को किनारे लगाया, अपनी स्टडीज को किनारे कर दिए और पूरा टाइम पूरी तरह से साइंस की खोजों में लग गया। दूसरी तरफ उनका पूरा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। देखते ही देखते वो व्हील चेयर में आ गए। पर ये आदमी हार मानने वाला नहीं था, अपने साइंटिफिक खोजों को जारी रखा और दुनिया को ब्लैक होल का कंसेप्ट दिया और इस दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक बने। स्टीफन की जिंदगी उन कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो फिजिकली डिसेबल है। फिजिकल डिसेबिलिटी हर्ट करती है, अफकोर्स करती है, बट अगर इंसान चाह ले, अगर उसके मन में विल पावर हो, तो इनको दरकिनार करते हुए भी वो अपना गोल अचीव कर सकता है।